एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने शनिवार को बताया कि भारत में दो मौजूदा मंत्री, 40 से अधिक पत्रकार, 3 विपक्षी नेताओं और एक मौजूदा न्यायाधीश सहित 300 से अधिक मोबाइल फोन नंबरों को स्पाईवेयर के माध्यम से कथित रूप से निशाना बनाया गया है, यानी कि उन्हें हैक किया गया है। क्या है यह जासूसी सॉफ्टवेयर और कैसे काम करता है, जानेंगे आज के वीडियो में। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस फोन में एक सामान्य व्हाट्सएप कॉल से भी पहुंच सकता है। जिसको कॉल की गई है वो जवाब दे या न दे, उसके फोन में यह पहुंच जाएगा। यह फोन में विभिन्न लॉग एंट्री डिलीट कर देता है, यानी वो सारे ऐप जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर या कोई भी ऐसा ऐप जिसमें आपने लॉगिन किया हो। जानकारी के मुताबिक इजरायली कंपनी NSO ने पेगासस को विकसित करने के बाद विभिन्न देशों की सरकारों को बेचना शुरू किया। 2013 में सालाना 4 करोड़ कमाने वाला यह कंपनी की आज वॉटनेट 15.5 करोड़ डॉलर पहुंच गई है। यह सॉफ्टवेयर काफी महंगा माना जाता है, इसीलिए सामान्य संगठन और संस्थान इसे नहीं खरीद पाते। 2019 में फेसबुक के सुरक्षा विशेषज्ञों ने पेगासस के एक बड़ा खतरा बताते हुए केस दायर भी किया था। इसी दौरान व्हाट्सएप ने भारत में कई कार्यकर्ता और पत्रकार के फोन में इसके उपयोग का भी खुलासा किया था। अब समझते हैं ये कैसे काम करता है। यह यूजर के मैसेज पढ़ता है, फोन कॉल ट्रैक करता है, विभिन्न ऐप और उसके उपयोग हुई जानकारी चुराता है, लोकेशन डाटा, वीडियो कैमरा का इस्तेमाल वो फोन के साथ इस्तेमाल माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड करता है। यानी अगर ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में आया तो हैकर्स आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकता है। इतना ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर के सहारे आपके मोबाइल कैमरे से लिया गया फोटो या वीडियो को हैकर्स देख भी सकता है। एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी कैस्परस्की के अनुसार पेगासस SMS, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉन्टेक्ट और ईमेल तो देखता ही है, फोन से स्क्रीनशॉट भी ले लेता है। इस जानकारी को यह लीक कर जासूसी करता है। यह गलत फोन में इंस्टॉल हो जाए तो खुद को नष्ट करने की क्षमता भी रखता है, यानी यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे काम भी कर सकता है। इसीलिए इसे स्मार्ट स्पाईवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यह हालात के अनुसार जासूसी के लिए नए तरीके को अपनाता है। इतने पे तो आप समझ गए होंगे कि इस सॉफ्टवेयर के बदौलत क्या नहीं किया जा सकता अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो। मगर इसे बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के अनुसार इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारी मान्य प्राप्त एजेंसी को ही बेची जाती है, और सरकार भी बताती रही है कि इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए उसका मकसद आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। कई बार भारत के अलावा बांग्लादेश, सऊदी अरब और मेक्सिको में भी इसके इस्तेमाल को लेकर विवाद होते रहे हैं, मगर भारत को लेकर आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि सरकार ने यह सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की जानकारी 2016 में UAE के मानव अधिकार कार्यकर्ता मसूर के बदौलत मिली थी। ये मेलवेयर एप्पल को भी हैक कर सकता था, तभी इसका नाम पेगासस पड़ा, मगर एप्पल ने अपने प्रोग्राम को अपडेट कर सुरक्षा खामियों को दूर कर लिया, इसीलिए एप्पल की पूरी दुनिया में डिमांड है। दोस्तों, अगर ऐसा सॉफ्टवेयर आपके हाथ लग जाए तो आप इसका क्या इस्तेमाल करोगे, कमेंट में जरूर बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।